Okay, good evening to everyone. thanks for coming on a short notice. आज हम मीडिया के सामने इसलिए आए हैं क्योंकि कैपिटल पुलिस ने जो वॉर ऑन ड्रग्स हम चला रहे हैं पहले से, उसमें एक बड़ा सक्सेस हमें हासिल हुआ है. इसमें सबसे मेजर जो सक्सेस मिला है वो हमने 311 ग्राम्स का एक रिकवरी किया है, जो कि एक कमर्शियल क्वांटिटी रिकवरी है. एंड कैपिटल पुलिस के लिए ये अब तक का पिछले दो साल जो हमने वॉर ऑन ड्रग्स किया है उसमें सबसे बड़ा रिकवरी है. एंड पिछले दो हफ्ते में टोटल 7 केसेस हमने रजिस्टर किया है. ये पूरे कैपिटल पुलिस की टीम ने एंड ऑल डिफरेंट पुलिस स्टेशंस सबके एक्टिव रहने से हुआ है. 7 केसेस हमने रजिस्टर किया है. 765.85 ग्राम्स हेरोइन टोटल में रिकवर हुआ है. इसका जो फील्ड में जो ग्राउंड में मार्केट वैल्यू है करीब 90 लाख का होगा. और टोटल 21 जो पेडलर्स एंड सप्लायर्स है उसको हमने अरेस्ट किया है. सबसे पहले नाहरलगन पुलिस टीम ने, जिसमें इंस्पेक्टर मिनली गई, एसआई सुशांत झा, एसआई बोबी सुमन्यान, एसआई तातोर बुई, कांस्टेबल कांतो साम्यो, कांस्टेबल सनुराज, कांस्टेबल देवजीत बोरा, मनोज गोगोई, तागरी रामू और बाकी और भी टीम में शामिल थे. इन सब ने नाहरलगन एसडीपीओ देखियो गुमजा के सुपरविजन में एक टीम डेवलप किया. एंड टीम ने बहुत फोकस वे में काम किया. सबसे पहले जो है 22 तारीख को एक केस रजिस्टर हुआ 37/23, जिसमें एक जुम्बा लोया अरेस्ट हुआ और 18.37 ग्राम हेरोइन इसमें रिकवर हुआ था. उसी का जो सप्लायर है, सप्लायर के बारे में पता लगाया तो एक सोनू नाम का जो बंदरदुआ में बेस्ड है और एक संजय जो गुमतो में बेस्ड है, इन दोनों के बारे में पता चला. और फर्दर इसी ऑपरेशन के तहत सोनू एलियस मोनीराम दास और उसके साथ रोहित और कुणाल को हमने बंदरदुआ एरिया से अरेस्ट किया और 56.85 ग्राम हेरोइन रिकवर हुआ था. टोटल इस केस में 37/23 में 125.28 ग्राम्स हेरोइन रिकवर हुआ है. और इसमें टोटल 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, जुम्बा लोया, मोनीराम दास, रोहित बोरा, कुणाल छेत्री और विकास डोले. साथ ही साथ हमें और इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था, जिसमें फर्दर काम करने पे 28 मार्च 2018 को पुलिस टीम ने एक आमिर अली अरेस्ट किया, जो कि एक असम बेस्ड ड्रग सप्लायर है, जो जिसको हमने सूद विलेज में अरेस्ट किया. उसके पोजीशन से 114.81 ग्राम सस्पेक्टेड हेरोइन रिकवर भी हुआ है. और उसके साथ ही दो एकॉम्प्लिसेस देवजीत मिली और हबीजुल इस्लाम को अरेस्ट किया. और पप्पू हिल में एक केस रजिस्टर हुआ 13/23, जिसमें कि एनडीपीएस एक्ट के अलावा बाकी सेक्शंस भी जुड़े हुए हैं. फिर जब पता लगाया तो आमिर अली का जो मेन सप्लायर है वो एक दीमापुर बेस्ड सप्लायर के बारे में हमें पता चला, एक जाबिर हुसैन. तो जाबिर हुसैन को अरेस्ट करने के लिए हमने चिंपू एरिया में एक ट्रैप लगाया, जिसमें जाबिर हुसैन 30 मार्च को इस तरफ आया अपने एक एकॉम्प्लिस के साथ, रीना विश्वास. इन दोनों के पास से टोटल 311 ग्राम हेरोइन बरामद हुआ. और चिंपू पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर हुआ 15/23 अंडर सेक्शन 21C, 27A एंड 29 एनडीपीएस एक्ट पर. ये जो 311 ग्राम्स है, कमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन का 250 ग्राम्स होता है. तो ये दिस इज़ अ कमर्शियल क्वांटिटी रिकवरी, जो कि काफ़ी रेयर है. एंड अभी तक जो वार ऑन ड्रग्स हमने किया है कैपिटल पुलिस का, इसमें सबसे बड़ा रिकवरी है. जो दो अरेस्ट हुए हैं इस केस में, जो मेजर केस था, जाबिर हुसैन ये 28 साल का है एंड कनकपुर गाँव से है, करीमगंज डिस्ट्रिक्ट असम से बिलोंग करता है, लेकिन ये नॉर्मली दीमापुर साइड में रहता है इन द बॉर्डर. इसके साथ ही रीमा बसवास अरेस्ट हुआ 29 ईयर्स, ये भी उसी साइड में रिसाइड करता है. इनके इन्वेस्टिगेशन से काफ़ी सारा जो नाहरलगन एंड ईटानगर एरिया में ड्रग पेडलर्स हैं उनके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन मिला है. एंड
ये पता चला है कि ईटानगर एरिया में जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल इलाके में जो सप्लाई होता है उसमें जाबिर हुसैन इज़ वन ऑफ द मेन सप्लायर्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके अरेस्ट होने से वी विल बी एबल टू मेक ए बिग डेंट इन द सप्लाई ऑफ ड्रग्स इन कैपिटल एरिया। इन टोटल जो नाहरलगन पुलिस टीम ने एक्टिविटी किया है, इसमें 10 लोग अरेस्ट हुए हैं एंड टोटल 550 ग्राम हेरोइन इसी एक ही टीम ने रिकवर किया है। साथ ही साथ बाकी पुलिस स्टेशंस की टीम भी एक्टिव थे और इसमें कल ही 31 मार्च को ईटानगर पुलिस टीम लेड बाय इंस्पेक्टर किक्सी यांगफो ओसी ईटानगर, इंस्पेक्टर योमकेन रिराम, ओंगसा रोनराम, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल नाबम चाकुम और लकी ताचो, इन्होंने 4 हैबिचुअल ड्रग पेडलर्स अरेस्ट किए, दोरा तानु, राजन ब्रह्मा, राज सुब्बा और राचो तीचो। तो इनके पास से टोटल 137.5 ग्राम हेरोइन रिकवर हुआ है। इसी के चलते एक केस 77/23 अंडर सेक्शन 21B, 27 एंड 27A, 29 NDPS रजिस्टर किया है एंड इसमें भी 137 इज ए गुड क्वांटिटी एंड काफ़ी अच्छा काम किया है ईटानगर पुलिस स्टेशन ने इसमें। इससे पहले बंदरडुआ में भी हमने एक केस रजिस्टर किया 6/23 जिसमें 29.1 ग्राम रिकवर हुआ है और एक बिदबी लिंगो अरेस्ट हुआ था। 24 तारीख को चिंपू पुलिस स्टेशन में एक जाकला बोरो एलियस तकला अरेस्ट हुआ था, ये गोपुर साइड से रिसाइड करता है एंड उसके पास से 26.93 ग्राम हेरोइन रिकवर हुआ है। फर्दर कल ही 31 मार्च निर्जुली पुलिस टीम ने एक केस रजिस्टर किया 29/23 जिसमें हमने 2 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट किए, जॉन तावे और दीपेंद्र सिंह एंड इनके पास से 18.9 ग्राम हेरोइन रिकवर हुआ है। ये जो रिकवरी है आप इसमें देख सकते हैं, इन वेरियस फॉर्म्स हमने रिकवर किया है, कुछ जो है पैकेट्स में है जो कि सोप केसेस में भर के लाया गया था एंड जब सोप केस में लाते हैं फर्दर इसको छोटे छोटे ट्यूब्स में बांट करके रिटेल में सेल करते हैं। एक ट्यूब का बिटवीन 1000 to 3000 के बीच में प्राइसिंग होता है एंड दैट इज़ वाई इन टोटल अराउंड 90 lakhs का इसका वर्थ होगा इन जब ये ट्यूब्स में तब्दील हो जाता है। कैपिटल पुलिस ने जो ये ऑपरेशन किया है इसमें हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं ईटानगर कैपिटल रीजन के, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इन अरेस्ट एज वेल एज सीजर। जो हमारा पुलिस टीम है इसमें नाहरलगन पुलिस स्टेशन का जो टीम है उसको स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत एक्टिवली काम किया इसमें एंड इसके साथ ही बाकी जितने भी ओसीज हैं हमारे पुलिस स्टेशन ईटानगर चिंपू पापू हिल निर्जुली एंड बंदरडुआ, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया अपनी टीम के साथ। और हमारे जो ऑफिसर्स हैं SDPO नाहरलगन देखियो गुंजा, SDPO ईटानगर सिकोम कमदम सिकोम, एंटी ड्रग स्क्वाड के जो हेड हैं DYSP केंगो दिर्ची और इन सब को जो सुपरवाइज कर रहे हैं वेरी क्लोजली एडिशनल SP कैपिटल तुतान जाम्बा, इन सब के एफर्ट से ही ये जो सक्सेस है ये हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर हमने काफ़ी एफर्ट किया ड्रग्स के खिलाफ एंड इस साल भी 2023 में कैपिटल पुलिस अपना जो वॉर ऑन ड्रग्स है, क्योंकि हम मेनली सप्लाई रिडक्शन में काम कर रहे हैं पुलिस जो टीम है, तो हमने काफ़ी फोकस को जारी रखा है एंड आज अभी तक इस साल में 8 केसेस टोटल रजिस्टर हुए हैं। कुल मिला के 21 लोग हमने अरेस्ट किए हैं और 894.131 ग्राम्स जो है सस्पेक्टेड हेरोइन बरामद हुआ है। ड्रग्स हमारे कैपिटल रीजन के लिए एंड इन जनरल हमारे ओवरऑल सोसाइटी के लिए भी एंड हमारे स्टेट के लिए स्पेशली एक जो यूथ है जो मिसगाइडेड यूथ होता है उनके बीच में ये बहुत बड़ा इशू है एंड हम चाहते हैं कि हमारे जो वॉर ऑन ड्रग्स है इसमें सारा पब्लिक हमें सपोर्ट करें। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके पास ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मिले कि आपके सामने इस तरह का एक्टिविटी हो रहा है तो प्लीज़ कैपिटल पुलिस से संपर्क करने में संकोच ना करें एंड हम जितने भी सप्लायर्स हैं पेडलर्स हैं जो ड्रग्स हमारे कैपिटल में लेके आ रहे हैं उनको हम वार्न करना चाहेंगे कि देर सवेर हम आपको ज़रूर दबोच लेंगे। थैंक यू।
अभी तक जैसे मैंने बताया है, जो हमारा मेन जिसको हमने अरेस्ट किया है जाबिर, इस इनका सोर्स दीमापुर साइड से ये लेके आ रहा था, एंड वहीं से अभी एंट्री का हमें ज़्यादा पता चला। इसके अलावा जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं अरुणाचल के, असम बॉर्डरिंग एरियाज़ एंड अदर सम अदर सिटीज़, उनसे भी सप्लाई होने का हमें इन्फॉर्मेशन है, एंड वी आर वर्किंग ऑन ऑल दी वेरियस इन्फॉर्मेशन, एंड धीरे धीरे वी विल डेफिनेटली गेट फर्दर सक्सेस। नहीं, अभी तक जितने भी अरेस्ट हुए हैं इसमें कोई अंडर एज नहीं है। यस, इसमें से काफ़ी लोग हैं जो पहले भी अरेस्ट हुए हैं, एंड पहले अरेस्ट होके वी वर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट कि जो हमारा फॉरेंसिक लैब है वो, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता था, बट रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश पुलिस अलॉन्ग विद दी गवर्नमेंट हैज़ बीन एबल टू फंक्शनलाइज फॉरेंसिक लैब इन अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा जो स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी है उसमें ड्रग टेस्टिंग वगैरह शुरू हो गया है, एंड वी आर पॉजिटिव कि अभी जो भी केसेस हैं इसको हम जल्दी से जल्दी जो है लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाने में हमें हम और सक्षम हो गए हैं इस एफर्ट के साथ। ऑल एफर्ट्स आर टेकन ड्रग्स को पकड़ने में, हम जितना भी एफर्ट है वो कर रहे हैं, एंड उसी एफर्ट का ये स्वरूप है कि हमने अभी इतना बड़ा सक्सेस पाया है। एंड मैं अपने टीम को स्पेशली इस दो हफ्ते में इतना जो मेहनत किया है और इवन कमर्शियल क्वांटिटी तक ड्रग्स रिकवर किया है, उसके लिए मैं शाबाशी देना चाहूँगा, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टीम है वो फ्यूचर में भी इसी जोश के साथ और इसी डेडिकेशन के साथ आगे काम करेंगे और भी सक्सेस हम पाएंगे। डेफिनेटली लोकल्स भी हैं, जैसे मैंने नाम आपको बताया है, इसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट भी है एंड आउटसाइडर नेम्स भी हैं, तो इट्स ए मिक्स ऑफ पीपल। जब भी हम वॉर ऑन ड्रग्स की बात करते हैं, देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व, एंड हमें जब भी ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ये हमें ज़रूर समझना चाहिए कि इसमें वेरियस अलग अलग पहलू हैं। तो जो पुलिस हम ज़्यादातर काम करते हैं वो डिमांड रिडक्शन पे काम, सप्लाई रिडक्शन पे काम करते हैं, सॉरी। इसके अलावा हमें डिमांड रिडक्शन पे भी काम करना है, जो कि जो ऑलरेडी एडिक्टेड हो गए हैं, जो हमारे लड़के बच्चे बच्चे जो हैं, यंग यूथ जो है इससे ग्रस्त हो गए हैं, उनको भी उस बीमारी से बाहर निकालना ये भी बहुत ज़रूरी है। तो सप्लाई रिडक्शन, इसके बाद जो रिहैबिलिटेशन है उनका, कि उनको वापस सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में लेके आएं ताकि वो फर्दर फिर से जो है ड्रग्स यूज़ में वापस ना जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी काम है। एंड मैं इसमें स्पेशली जो हमारे हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी के लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप और आपके सामने अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो इससे ग्रस्त हो गया है, उनको भी सेंसिटिवली हैंडल करें और उनको मदद करें कि इस तकलीफ से बाहर आएं। तो सप्लाई को कम करने में पुलिस हमेशा आगे बढ़ के काम करेगी, लेकिन जो डिमांड साइड है और जो रिहैबिलिटेशन पोर्शन है उसमें आप सब हमें सपोर्ट करें, तो हम सब मिलके इस जो ये जो प्रॉब्लम है इसको कामयाबी से डील करने में सक्षम होंगे। नो, ऑफ कोर्स दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर लास्ट टू ईयर्स, एंड अरुणाचल पुलिस ने नॉट जस्ट इन कैपिटल, ओवरऑल पूरे स्टेट में काफ़ी सारे केसेस रजिस्टर किए हैं, पिछले साल भी, उससे पहले भी, एंड वी विल कंटिन्यू दिस टिल वी रीच द गोल। एंड मैं यही आप सबको बताना चाहूँगा कि हमारा जो पुलिस टीम है ये बहुत ही मोटिवेटेड है, एंड आगे भी ऐसा काम करते रहिए। थैंक यू।
जैसे मैंने अभी मेंशन किया है, वी हैव टू वर्क ऑन ए होलिस्टिक अप्रोच. तो जो सप्लाई रिडक्शन है उस पर हम काफ़ी जोर शोर से काम कर रहे हैं. फर्दर डिमांड रिडक्शन एंड रिहेबिलिटेशन जो पार्ट है उसमें भी हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है. अभी सरकार फर्दर काम कर रही है. सम ऑफ दी ड्रग रिहेबिलिटेशन कैंप्स आर ऑल्सो कमिंग अप एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सबका जो ये एफर्ट है वो धीरे धीरे हमें और सक्सेस देगा ओवरऑल सोसाइटी के बेस पर. थैंक यू वेरी मच. डेफिनेटली यूज़र्स हर जगह हैं तो सप्लाई भी हर जगह होता है. एंड यू मस्ट हैव सीन इफ़ यू आर फॉलोइंग कि अरुणाचल के हर डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स पे काफ़ी काम हो रहा है एंड वी आर फाइंडिंग लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड आई एम श्योर कि वी विल कीप सक्सीडिंग. लेकिन हमारे सिर्फ सक्सेस से नहीं होगा, ओवरऑल सोसाइटी जो है सबको साथ इसमें होना पड़ेगा वॉर ऑन ड्रग्स में. एंड हम जब सब साथ में चलेंगे तभी जाके हमें टोटल सक्सेस मिलेगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब हमें आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे. थैंक यू. थैंक यू मैम. वी होप दैट एवरीबडी विल सपोर्ट अस एंड थ्रू द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट द पुलिस एज वेल एज द सोसाइटी वी विल सक्सीड अगेंस्ट दिस एंड रूट आउट द मैनेज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम आवर सोसाइटी. थैंक यू.